अर्थ प्रकाश देख रहे हैं तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सबको पता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम खड़े हैं हरियाणा की सबसे हॉटेस्ट सीट पर अंबाला कैंट में, जहां पर 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी इलेक्शन खड़े हैं। उनके सामने एक युवा नेत्री चित्रा सरवारा, उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं, उसके साथ कांग्रेस के अपने परी खड़े हैं और अपने धर्मेश सूद सभी खड़े हैं। और आइए हम बातचीत करते हैं अंबाला के लोगों के, अंबाला के लोगों से पूछते हैं कि ये इस चुनाव को कैसे देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विक्रम सोनकर। विक्रम जी, क्या लगता है इस बार अंबाला के अंदर? चित्रा सरवारा का जी जोर। तो चित्रा क्यों आएगी ये बताइए। चित्रा आएगी जी, 10 साल से मेहनत कर रही है। मेहनत कर रही है, आप बताइए कि उनके कौन कौन से आपको, आप यूथ हो, आपने ये कहा चित्रा सरवारा आएगी, आपके 6 बार के विधायक हैं यहाँ पर, तो उन वो भी कह रहे हैं कि मैंने काम किया है, काम किया है, काम करेंगे, तो वो उस नारे को आप कैसे देखते हो? वो तो आप घूम के देख लो अंबाला में, पता लग जाएगा। हम तो घूम ही रहे हैं। हर काम में आपको पता ही, हर काम में घपले हैं जी। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जिसमें फ्रॉड नहीं है? अच्छा, बताओ आप, पता कर सकते हो आप? तो आप आने वाले टाइम में क्या लगता है आपको? चित्रा सरवारा है जी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे थे ना, कांग्रेस के भी कैंडिडेट थे, कांग्रेस को वोट मिलना था। चाहते हैं जी, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? हाँ जी, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव, राजीव। ऊंची बोलिए जी, जी कैमरे की तरफ देखिए। हाँ जी जी, राजीव जी। हाँ राजीव जी, आप यहाँ पर अंबाला में रहते हो? हाँ जी, अंबाला में रहते। अंबाला में रहते हो आप, ये बताइए कि आप मौजूदा विधायक के, जो आपके पूर्व गृह मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हो? सर जी नहीं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ टूटा हुआ है जी, कोई काम नहीं हुआ हुआ यहाँ, सब कुछ देखो, स्टेडियम देख लो आप, पूरा हुआ नहीं हुआ, स्टेडियम भी नहीं पूरा हुआ जी। बैंक्स केयर वो बंद है जी, सारा काम बंद पड़ा जी, यहाँ नाले अंडरग्राउंड हुए हैं वो पूरे नहीं हुए। तो आपको कौन लगता है कि वो जो आप अधूरे काम करे वो पूरे कौन करेगा? पूरे जी, हम तो इस बार बदलाव चाहते हैं जी, चित्रा जी को वोट डालेंगे। चित्रा को आप वोट क्यों डालोगे ये बताइए पहले आप, क्योंकि इन्होंने भी चित्रा कहा, आपने भी कहा, आप हम किसी भी कैंडिडेट को फोर्स नहीं करें, ये बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर अंबाला कैंट के लोगों का ये वो है, एग्जिट पोल ये क्या कहते हैं हम, सर्वे, कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या, क्यों चित्रा को देना चाहते हो? हम बदलाव चाहते हैं जी। तो आपके कांग्रेस के भी कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं, आपके भी खड़े हैं, तो वो क्यों नहीं, चित्रा क्यों? बस हम चित्रा के साथ ही हैं, बस चित्रा को ही डालेंगे वोट। चित्रा का? हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, क्या नाम? नाम बताइए आगे। राम मोहन है जी मेरा नाम, सारे अंबाला मुझे जानता होगा। अच्छा। ये भी जानते, आप ही खड़े जाते हैं एमएलए का इलेक्शन? अरे सारा अंबाला जानता है आपको। ये भी जानते, चाचा जी भी जानते हैं, हमारे राजीव जी भी जानते हैं। बात है चित्रा जी ना, हकीकत बता रहा हूँ मैं, जो मेरे साथ घटी हुई है, इतने इतने पानी में हमारे घर पर आई थी, पानी आता है यहाँ पर, बाढ़ आई थी, बाढ़ ही रोक सका जो बंदा, पूरा इंडस्ट्रियल डुबो दिया, पूरा इंडस्ट्रियल डुबो दिया। नहीं, साहब ये कहते थे कि यहाँ पर बहुत काम किया हमने, टांगरी नदी वाला पंप, काम की बात नहीं, हमें उनकी कोई बुराई नहीं करनी, उन्होंने काम किया, वही काम करेंगे, विधायक रहे हमारे एमएलए हैं, तो वही नहीं काम करेगा कौन करेगा? तो आप चित्रा की तरफ क्यों जा रहे हो, क्या कारण है? चित्रा जी ने हमारे दुख सुख के साथ खड़ी थी, बस सो बातों की एक बात, दुख की साथ ही है जी, आपकी तरफ भी आएंगे जी, आपकी तरफ आएंगे। हाँ जी, उस सुख दुख में हमारे साथ खड़ी हुई थी, इतने इतने पानी में एक बार नहीं। अच्छा, अंबाला के मुद्दे कौन से बताइए? देखो मुद्दे तो मेरे मुद्दे तो बहुत है, बोलने में आएंगे अंत नहीं ना हमारे दिमाग में, पर आपकी बार सारी पब्लिक ना चित्रा जी के साथ है, तो आप आज सरदार जी आइए, आप बुजुर्ग जी भी हमारे साथ आगे हैं, बुजुर्ग जी आगे, बुजुर्ग साहब ये बताइए जी, क्या लगता है आप बताइए, निष्पक्ष बोलिए, ये देखिए बुजुर्ग सरमाया होते हैं, ये बताएंगे। हाँ जी, ये नौजवान जो कह रहे हैं, इस बात को आप कहाँ तक ठीक समझते हो? ये 99% ओके है। क्या ओके? इन्होंने कहा है। नहीं नहीं, आप चित्रा को वोट देना चाहते हो ना, क्यों देना चाहते हो ये तो बता दो। बदलाओ, बदलाओ चाहते हैं। ऊपर ऑर्डर होया है। ऊपर कहाँ से ऑर्डर हो गए? ईपीएफ ऊपर से ऑर्डर, ये कह रहे ऊपर से ऑर्डर कहाँ से हुए? ईपीएफ पेंशन का मुद्दा थीगा, अरे हाईकमान ने ईपीएफ पेंशन का, नहीं मोदी जी ने तो अभी कहा है कर्नल कर्नल अशोक रावत ने क्या है, अपोजिशन ही वोट देनी है। किसको? अपोजिशन वोट। अपोजिशन तो कांग्रेस, चित्रा तो इंडिपेंडेंट है, जो हमारे को अच्छा लगेगा हम उसकी वोट। अच्छा लगेगा। हाँ जी, नमस्कार जी, आइए आप आइए। हाँ जी आइए आइए, हमारे बीच में आप आगे आइए, इसके आगे आइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका नाम क्या जी? बताओ आओ। ऐसे जी, अंबाला कैंट एक स्वर्ग बन चुका है और
कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हम अनिल विज का कहते हैं कि उसको भगवान और लंबी उम्र देवे और उसको स्वस्थ रखे, सारा अंबाले का नक्शा ही बदल दिया है। सड़कें लोग कहते हैं जी, तो ये लोग कह रहे हैं कि अनिल विज ने इतने काम किए, नक्शा बदले, स्वर्ग बना दिया। लोगों को खड्डा नजर आता है, लोगों को एक खड्डा नजर आता है, लोगों को काम नहीं नजर आते। अंबाला कैंट में क्या नहीं है, सिविल हॉस्पिटल का मुकाबला क्या है, स्टेडियम का क्या मुकाबला है, सड़कों का क्या है, नाले बन गए हैं, स्ट्रीट लाइट बन गई हैं, कर गए हैं, स्ट्रीट लाइट चलती हैं स्ट्रीट लाइट बिल्कुल चलती है। ये जाओ अपनी रोड देखो, चमचम करेगा। कैमरा घुमाइए रुकिए जी, कैमरा दिखाओ पूरा घुमाइए। इन लोगों को कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज रुकिए जी, कैमरा कीजिए बुजुर्ग जी की तरफ रुकिए जी। ओ देखो माहौल गर्म मत कीजिए सबकी तरफ है। हर आदमी रुको हम तो माहौल को गर्म मत करो, सुनो ऐसा है सर, ऐसा है, हर आदमी साइकिल से स्कूटर पे आ गया, स्कूटर वाला कार पे आ गया, सिलेंडर महंगा, कमाई तो देखते हैं, मैं रोज 10,000 करके, रेडी वाला भी शाम को 2,000 ले जाता है, सिलेंडर आएगा कहाँ से फ्री। तो आप मौजूदा विधायक के काम से संतुष्ट? बिल्कुल 100% आप। नमस्कार जी, हम बिल्कुल मौजूदा विधायक जी के काम से बहुत खुश हैं। देखिए जी, ये सब कह रहे हैं, एक घर आप बनवाएंगे, घर बनाने में भी 2 साल लग जाते हैं, और एक अंबाला का नक्शा चेंज करना है उसमें कम से कम 5 साल तो लगेंगे, वेट तो करनी पड़ेगी जी। कोई भी चीज बनती है उसमें। अच्छा एक मिनट, लड़ाई ना करो सबकी तरफ आएंगे, आपके लिए है। गांधी मार्केट में हमें सरकारी भाई, हमें बात ऐसे, इनका फर्क क्या है कांग्रेस इसका, दो हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट हुए हैं, हमारे यहाँ कैंडिडेट की बात सुन लो, विशा बीजेपी से हैं, बाप कांग्रेस में, बेटी आजाद में। ये बड़ा मुद्दा उठाया इन्होंने कि फादर कांग्रेस में, बेटी आजाद उम्मीदवार। हाँ जी हाँ, हम तो इस स्कीम के तहत सीट मिलेगी फिर एक के साथ एक फ्री। हाँ ये तो हो रहे हैं ना इनको, अंबाला के लोग अब एक साथ एक, अंबाला के सोचने चाहिए, बाप कांग्रेस से लड़ा, लड़की आजाद से लड़ रही है। बिल्कुल सुनो अब अंकल जी, आपने सुनना है। देखो जी, जो भी अंकल जी ने कहा है, ये बना वो बना, 15 साल में कुछ पूरा नहीं हुआ, जो भी कुछ बनाया बैंक स्केयर में वो घोटाला है, स्टेडियम में वो घोटाला है, कोर्ट में केस चल रहे हैं इनके घोटालों के, इन्होंने जो भी साहब ने काम हुए ताई घोटाले हुए हैं। हाँ जी, काम का घोटाले तो है ना जी, पैसे खा गए ना जी। ओ सुनो वो बहुत बड़ा इल्जाम लगाया इस लड़के ने, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजय है जी। संजय ने बहुत बड़ा इल्जाम लाया कि यहाँ पर पैसों का घोटाला हुआ है। क्या दर्ज है जी? सब पे RTI लगी हुई है, FIR भी हुई है। हाँ जी, RTI दर्ज हुई है, सब पे 1,000 रुपए घोटालों को। अंकल हूँ लड़ना अपने घर की है, जो मर्जी करता है, आजाद हिंदुस्तान है, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, अगली बार मैं भी MLA के लिए खड़ा हूँ, कोई इस पर जबरदस्ती कोई ना, आजाद उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, ये लेटे लूटे क्या काम होता है जी, यहाँ किसी ने सरकारी नौकरी नहीं लगाई किसी बच्चे को, हमारे यहाँ कोई पढ़े लिखे बच्चे नहीं आता, किसी की नौकरी नहीं लगी हमारे यहाँ, बताओ विश साहब ने कितनी नौकरियाँ लगवाई हैं, क्या करा है बोलो बताओ। तो विशा बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे नहीं, क्या कोई भी नहीं है जी, जो उसका आंसर है। आप देखो, एक नराते चलने वाले ना, उदार चित्रा दीदी करेगी नरातों में, सारा कुछ चित्रा दीदी करेगी यहाँ पे, वो इतनी ईमानदार लड़की है ना, इतनी ईमानदार लड़की है ना जब उसको मौका दोगे ना, वो इसे ना देंगे। स्टूडेंट के लिए क्या कर रहा है ये बताओ, 12,000 की स्टूडेंट नौकरियां, कुछ नहीं खुला। मैंने 20 कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी को भी नौकरी नहीं मिल रखी, सारे कॉलेज में किसी को भी नौकरी, बच्चे को, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। अंकल चलो सिविल बनाया ठीक है, हम सबके लिए, जो विधायक होएगा 20 साल से वो बनाएगा, उसके उम्मीद के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे बताओ ना आप। जानगुल के काम से खुश हो? हाँ नहीं मतलब कहने का, विश साहब के काम से खुश हो? अरे अच्छा,
ओ भाई भी मौजूदा विधायक में ये सर कोई बदमाशी नहीं है, 10 साल हो गए आराम से काम कर रहे हैं, घर जाते हैं आते हैं। तू तो चुप हो जा, तू तो चुप हो जा, तू चुप हो जा, चुप हो जा। मैं कह रहा जी, अच्छा तू अभी आ गया जगह अम्बाला में, अब ये बोलेगा आप लोग आए हो पूरे अम्बाला में घूमो, आपको खुद पता लग जाएगा कि अम्बाला में कितना बुरा हाल है। अच्छा क्या बुरा हाल है बताओ, जगह जगह खड्डे। अच्छा अच्छा चलो 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 एक बात की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, आप साहिल है जी मेरा नाम साहिल, ये बताना कि यहाँ पर कौन सा बड़ा काम हुआ ये बताओ। सर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, अब 5 साल के अंदर तो सारा कुछ, यहाँ 15 साल में अगर आप कहो कि 5 साल के अंदर जो जो काम हुए, अगले 5 साल में जो काम होंगे, आने वाले 5 सालों में जो काम होंगे, हम तो ये कहते हैं अगर इन्होंने सबसे नीचे इसी को चुनना था तो ऊपर भी उसी को रखते। अगर हम कहते हैं कि ऊपर से फंडिंग आएगी, सब कुछ आएगी, अम्बाला में इतना पैसा लग चुका है, आज तक जिंदगी में कभी लगा नहीं है जितना पैसा। यानी डेवलपमेंट हुआ अम्बाला में, फुल हुआ जी, डेवलपमेंट बहुत हुआ है हमारे को, बहुत काम। जो लोग कह रहे हैं हमें नौकरियां नहीं मिली, अपना रिज्यूम दो जाके नौकरी तब मिलेगी, घर बैठे बैठे किसी की नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ जी, हाँ कौन सी जगह? मेरठ। ये बताओ यहाँ पर कौन सा डेवलपमेंट काम हुआ? मंत्री से खुश हो? बहुत बढ़िया, हम तो अनिल अनिल से खुश हो? बहुत बढ़िया जी, हमें नौकरी मिली, हम इतने टेंशन। अभी नौकरी वाला बंदा भी आ गया, कहाँ गए? नौकरी किसको मिली, कहाँ गया पतला मुंडा, वो पतला लड़का कहाँ गया? नौकरी कहाँ मिली भाजी? मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्लस टू पास हूँ भाजी। प्लस टू पास, अच्छा अभी आया। हाँ ये लड़का क्या नाम है बेटे? स्पर्श। अपनी लड़ाई नहीं करनी, खर्चा सरकारी। हाँ जी हाँ जी, तो देखो ओ सुनो, तू नहीं बोलना, सुनो बात सुनो, देखो ओ बात सुनो, एक तो ट्रक वाले अंकल जी, ट्रक वाले अंकल जी बाज बोलन गए, एक तू बाज बोलूंगा, बिच किसे नहीं बोलना, खिलारा ना पाओ, ठीक है ना। हाँ बेटे तू बता। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है तेरा? स्पर्श। उम्र कितनी है? 19 साल। वोट पैनी है? हाँ जी हाँ जी। पहली बार वोट पाएगी? हाँ जी। पहले तो वोट तुमने जरूर डालनी है, जिसको मर्जी डाल। मैं पहले ही पा चुका हूँ। पा चुका है, दूसरी बार? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा ये बता, हाँ जी, कि यहाँ पर कौन कौन से एक काम बढ़िया हुआ है? सभी काम बढ़िया हुए जी, एक क्या गिनवाना है? ठीक है सभी काम बढ़िया हो गए, चलो आ जाओ पाजी बोलूंगे। हाँ आगे आगे आगे। हाँ जी हाँ, क्या नाम आपका? अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी जी, क्या लगता है इस बार बाबा जीतेगा जी? बाबा बाबा कौन है? अनिल भी जिंदाबाद। अनिल भी जिंदाबाद, खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। अब इनका ये है कि जो ये बीजेपी है या चित्राले हैं या इनके दिमाग में कैसेट बढ़ा रखी है उन्होंने, कि आपने ये कहना है विकास नहीं हुआ, विकास जो हुआ उसको नहीं गिनना, जो विकास नहीं हुआ वो गिनना आपने। देखिए चौधरी साहब, आपकी फीलिंग है, आपने प्लेटफॉर्म पर रखा, लेकिन किसी को ऐसे बात में जिससे माहौल खराब हो, ठीक नहीं बात। वो भी अम्बाला के हैं, वो भी अम्बाला के हैं। कहना चाहता हूँ जी, पहले भी मंत्री रहे हैं, उनके काम गिनवा दीजिए। ये मंत्री जी ये तो अभी बनी नहीं है भाई, इनके फादर साहब तो मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो तो वहां से थे, नकल से। तो रेवेन्यू मिनिस्टर तो हरियाणा के थे ना? रेवेन्यू मिनिस्टर तो हरियाणा के थे, रेवेन्यू मिनिस्टर हरियाणा के थे, अम्बाला में रहते थे, अम्बाला में उन्होंने क्या विकास काम कराया वो हमें गिनवा दो। चलो वो गिनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी एक मैं कहता हूँ, चित्रा जी का ऑफिस कहाँ बना है और ये लोग सारे पार्किंग कहाँ करते हैं वो बता दें। कहाँ करते हो भाई, कहाँ करते हो? कौन करता है जी? कहाँ करते हो पार्किंग? हमारे घर खड़ी करते हैं। ओ नहीं, पार्किंग कहाँ करते हो? सच बोलिए, चुनाव कार्यालय में जाते हो कहाँ? पार्किंग में ही इतने? हाँ ये ना ना, ये हमारी दुकान है, हम यहाँ करेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग में करते हो? हाँ बस हाँ करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। मल्टी लेवल में पार्किंग करते हैं, मल्टी लेवल पे करते हैं। हाँ हाँ चलो अब। हाँ हाँ भी आ जा, आ गया भी, आ गया आ गया। क्या नाम है तेरा? मेरा आप सूरज कुमार जी, साउथ इंडिया से। नहीं जी, सूरज कुमार। अच्छा प्रॉपर सर। अच्छा मेरी चलो से बात कर। चुप हो जा तू, पार्किंग नहीं ले रहा कोई। अब ये बताओ, आप मौजूदा विधायक हैं जो आपके अपने गृह मंत्री भी थे यहाँ से, उनके कार्यशैली से खुश हो आप? सही बताऊं सर, अम्बाला कैंड की 70% जनता ना खुश है, ना खुश है। अच्छा ऐसे एक बार बताइए सर, अम्बाला कैंड की सड़कें 10 बार बन रही, 10 बार खुदरी 10 साल में। अच्छा दुकानदार परेशान नहीं हो रहे? अच्छा। लोगों के बीच ठप नहीं हो रहा? अच्छा। ये बताइए आप, बनी बनाई पक्की सड़क बार बार पानी जा रही है, बार बार बनाई जा रही है, बार बार पानी जा रही है, बनाई जा रही है। चलो आपको आप देख ही रहोगे सर। अच्छा अब ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में? मैं बताऊँ जी, आने वाले चुनाव में चित्रा सरवारी जी यहाँ से बहुमत हासिल करेंगी और अच्छी वोट से, अच्छे वोट बैंक से।
जीतेंगे। बहुमत तो बाद में होगा, यानी जीतने की सीट निकालेगी, बोलो सीट निकालेगी जी, 101% सीट निकालेगी। घर क्या लेने गए थे, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं साहब ने सच मुकदमे कराए हैं, मैं आपको पूरे जनता के सामने कह रहा हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ। साहब आपका नाम क्या? मेरा नाम विक्रम है। मोबाइल नंबर विक्रम सुनकर 8295865295। इसने दावा किया कि हम बताएंगे अंबाला कवरेज के लिए निकले, अंबाला कैंट के कवरेज के लिए। सुबह हमने आपको अंबाला की गांधी मार्केट दिखाई और आज हम अभी हम खड़े हैं पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा, जो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, और आज वहां पर खड़े हैं। और यहां पर अंबाला कैंट से, जैसे आपको पता है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज इलेक्शन खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से चित्रा सरवारा इंडिपेंडेंट खड़ी हैं, और INLD और बसपा से ओंकार सिंह जी खड़े हैं, और धर्मेश सूद खड़े हैं इंडिपेंडेंट। और आज हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के साथ कि इनकी क्या क्या बात है, और यहाँ की जीरो लेवल रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा गौतम है। गौतम ऊंची बोलिए। मेरा नाम गौतम है। गौतम जी, यहाँ पर क्या लगता है जो चुनाव हो रहे हैं? बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, क्या किसकी वेव लगती है यहाँ पर? अच्छा, आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि जो मौजूदा विधायक हैं उनकी कार्यशैली से आप खुश हो? बिल्कुल है जी, काम ही अभी हुआ है, पहले काम कहाँ हुआ जी? यहाँ पर इस गांव में कौन सा काम हुआ है? सड़कें, ये तो नॉर्मल है ही है जो है। अच्छा। ये तो आम ही है। अच्छा, शेड बनने। आप रहते गांव? मैं यहीं, ये साथ में गांव है गनाला। गनाला से? अच्छा, ये गनाला से आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस ये ऐसा हमारा पॉइंट है जहाँ पर सभी गाँव के लोग आप हमें मिल जाएंगे, और सारे गाँव की हमें वोटों के बारे में पता चल जाएगा। और हमारे बीच में, हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा, आप कौन सा गांव है आपका? पंजोखरा साहब है जी। पंजोखरा साहब। अच्छा, ये तो पंजोखरा साहब में पहले जब तो आप मौजूदा विधायक की कार्यशैली से खुश हो गए, इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी, हम तो बिल्कुल। अच्छा। बहुत से बदलाव हुए हैं, कई प्रोजेक्ट हैं जो अभी पेंडिंग भी पड़े हैं, मतलब चल रहे हैं वो। अच्छा। बहुत से हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटें लग गई अभी हमारे यहाँ पे जोड़े हुए। आप ये बताइए, आप अपने मौजूदा विधायक को 10 में कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 देंगे जी। 10 में से 10 देंगे। क्यों दोगे 10 में से 10 नंबर? क्योंकि बीजेपी में बहुत काम हुआ है जी, बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा काम हुआ है जी। हाँ। अच्छा। अब आपका नाम क्या है? अजय शर्मा। अजय शर्मा, आप कहाँ पर रहते हो? यही रहता हूँ सर, पंजोखरा। तो आप ये बताइए, आपके मौजूदा विधायक ने यहाँ पर कौन सा बड़ा काम कराया? सर बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कोई दो बता दो। जैसे गलियां बना दी है, लाइटें लगा दी रात में अंधेरा। देखिए लाइटों का कहा है आपने अजय जी, लाइटें देखिए, लाइटें कह रही जगह, लाइटें जगती भी हैं। हाँ जी, हाँ जी जलती हैं सर, लाइटें शाम को देखने आएंगे हम। हाँ जी, हाँ जी कह रहे हैं, यहाँ पे लाइटें लगी हैं, डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। तो इस बार क्या लगता है आपको, कुछ चेंज होगा कि आप पुराने विधायक पर ही अपने विश्वास रखोगे? नहीं सर, हम तो अपने पुराने विधायक पर ही रखेंगे। हाँ जी, तो हमारे बीच में अब और हमारी संगत जुड़ चुकी है, हम बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? भजन सिंह जी। भजन सिंह जी, गांव कौन सा आपका? पंजोखरा साहब जी। पंजोखरा साहब के रहने वाले हैं आप, ये बताइए आप अपने मौजूदा विधायक की कार्यशैली से खुश हो के क्या? क्यों खुश नहीं हो बताइए? उसने किसानों के लिए बहुत धक्का कराया जी। किसानों के साथ क्या धक्का हुआ ये बताइए? ये काले कानून गोली चलवाई है गृह मंत्री होंगे हुए, इसके ना आप यहीं खड़ के जिम्मेवारी ले भी मेरे गोली चल। जिम्मेवारी भी इन्होंने ये कहा कि हमारे, क्या बोले आप द्वार से बोलिए? विधायक किसानों के ऊपर गोली भी चलवाई गृह मंत्री होते हुए। अच्छा, यहाँ पर नहीं, बॉर्डर पे। बॉर्डर पर। अच्छा, ये एक लड़के की जान भी किसान की। इस चुनाव में किसान मुद्दा कहाँ तक सार्थक होगा? बहुत ज्यादा ही, आज ही पता लग जाएगा। पिपली में बहुत तगड़ी रैली हो रही है। अच्छा, रैली? हाँ जी, किसान रैली है। अच्छा अच्छा, तो साथ में सरकार ये कह रही है कि हमने MSP दे दी है, उसके बाद भी कोई MSP नहीं आया। एक बोलने का तो हम भी बोल सकते हैं, पर लिखती रूम में तो नहीं दी। अच्छा, लिखती तौर पर दी। नमस्कार, सत श्री अकाल जी, क्या नाम? आप इधर आ जाइए। हाँ तो कोई ना, आप ही आ जाइए। हाँ जी, आप बोलोगे? आइए, आप बोलिए ना, ये आपका मंच है, ये हम आपके लिए आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह। हरजीत जी, आप कहाँ रहते हो? पंजोखरा साहब। पंजोखरा साहब में रहते हो, तो आप ये बताइए कि आप अपने मौजूदा विधायक की कार्यशैली से खुश हो? कार्यशैली जहाँ सारा देश किसान इससे बीजेपी से खुश नहीं है, तो हम इससे कोई खुश नहीं है। अच्छा, तो उनके कोई यहाँ पर एक बड़ा काम किया हो? आपके काम नहीं किया जी, हमारे गांव में कोई काम नहीं किया उसने। अच्छा, कौन कौन से काम रह गए आपके जो मेन थे, बताइए जो नहीं हुए? नहीं जी, मारा तो अपना ही गांव है, हमने किसी पे तो क्या लेना है, हमने देखे। नहीं नहीं, आपके गांव में कोई काम तो होगा ना जो नहीं हुआ, काम जो आपको लगता है कि होना चाहिए था, ये बताइए। ये क्या काम है, गली नाली बनवा दी, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है।
या तो कोई भी सरकार आएगी बनवाई देगी। तो फिर बड़ा काम क्या समझते हो आप? किसानों के एमएसपी जो भी कानून चाहिए सरकार के, ये रास्ता है 6 महीने से बंद है, ये जमींदारों ने तो नहीं बंद किया, ये सरकार ने बंद कर रखा है। अच्छा, सरकार ने दीवारें कर रखी है वहाँ, किसानों ने तो एक साइड में बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे सरकार, ये तो आप ये बताइए, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो किसान आंदोलन है इस चुनाव पर भारी पड़ेगा, तो आप अब आपने ये कहा जमानत तक जब्त होगी बीजेपी, जमानत जब्त कहा है आपने, आप ये बताइए, आपने ये कह दिया जमानत जब्त, लेकिन आप किस पर विश्वास कर रहे हो ये तो बता दीजिए ना, क्या कैसे ही? इस यहाँ पर राजनीति में तो है ही नहीं। अच्छा, वोट तो डालोगे? वोट डालेंगे, वोट तो पर्सनल हक है, पर्सनल हक। हाँ जी, कांग्रेस को डालेंगे? हाँ जी, कांग्रेस। आप बताइए, दिल खोल के डालेंगे? अभी तो कोई डिसीजन लिया, पर हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते। अच्छा। हम तो इस कारण नहीं, इसको वोट ये मुद्दे के कारण वोट नहीं डाल रहे, ये कह रहे कि किसान मुद्दे के कारण वोट नहीं डाले, लेकिन हम अपना वोट फिर भी डालेंगे, डालेंगे। वोट आपको डालना चाहिए, देश हमारा है, वोट डालू, वोट जरूर डालना। हाँ। जिसको मर्जी वोट डालना, लेकिन वोट का जरूर करना। कांग्रेसी हूँ ना, मैं बीजेपी का हूँ ना मैं किसी का हूँ, पर वोट जरूर डालूंगा। तो हाँ, हाँ जी, यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है जी, कोई लड़ाई दंगे वाला माहौल नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे से भाईचारा बना के लोग वोटिंग करेंगे जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट हुई है, मतलब इसके बारे में बताओगे, कौन सी डेवलपमेंट के कार्य हो, क्योंकि आप गांव में यहाँ पर हो, आपके पास लोग भी आते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो यहाँ पर कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है जो मौजूदा विधायक की तरफ से? डेवलपमेंट काफ़ी हुई है जी, सभी गलियाँ, अभी कोई गाँव में कच्ची नहीं है, सभी गलियाँ पक्की हुई हैं जी, और लाइट्स का बहुत विशेष प्रबंध हुआ है, और जो बाहर खेतों में जाने आने वाले रास्ते हैं वो भी पक्के हुए हैं सरकार की तरफ से जी। इसी तरह से कोई ऐसी बाकी काफ़ी धर्मशालाएँ वगैरह बनी हैं सरकार की तरफ से, इन लोग बड़े खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो आपको क्या लगता है, अब यहाँ के लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? यहाँ के लोगों को तो यही अपील है, जो किसी को सही लगता है जैसे वो उसी हिसाब से हम वोट जरूर डालें, जिसको भी जिसका मन करता है वहाँ पर वोट डालें। तो ये हमारे बीच में व्यापारी वर्ग था, आपने देखा कि हम एक एक दुकान पर जा रहे हैं और यहाँ के लोगों की क्या व्यूज़ हैं, पंजोखरा साहब जो अपना गांव है वहाँ के। तो हमारे बीच में एक व्यापारी वर्ग जुड़ चुके हैं, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। हरदीप जी, आप बताइए सबसे पहले, मैं एक चीज़ बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको आप 10 में से कितने नंबर दो? जनाब देखो, कार्यशैली की तो बात इस तरह है, कम तो उन्हें चलो जो करे ठीक करे, पर जो किसान आंदोलन होया ना वहाँ फायरिंग करवाई उन्हें, मतलब किसान भी मरे मरे, बहुत नुकसान बहुत होया, रोड जाम करवाए, उस चीज़ तक खफा नहीं है, क्योंकि जब देश है किसानों खत्म हो जाएगा फिर ना। नहीं, किसान में तो उन्होंने कहा कि MSP जारी केंद्र ने कर दी है, तो उसके बाद भी अभी वो रोष है किसान, कोई लिखती रूम में है कुछ है। और नौजवान छोड़ गए पंजाब के, तो बेचारे मारे गए, मारे कई बंदे की पंजाब के बंदे, अखा खराब हो गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। यानी किसान आंदोलन इस चुनाव में रोल अदा करेगा? नहीं देखो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, देखो मैं अपने अपने विचार बता सकती हूँ ना। बाकी पता क्या, किसान की सुननी चाहिए थी इनू। अच्छा। किसान की सुननी चाहिए थी, क्योंकि किसान अन्नदाता या। अच्छा। मैं तो यो कहूँगा जय जवान जय किसान, अगर किसान की नहीं सुनने के फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपको लगता है इस बार शायद आप उन पर विश्वास जनता करेगी कि बदलाव का लगता है? हाँ, मेरे किसान भाई खड़ेंगे, हम तो छाती ठोक का वहाँ खड़े हैं भाई।